सो हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 4 बेस्ट एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर ₹18,000। सो अगर आपका बजट 15 से 18,000 के बीच में है और इस समय पर अपने लिए एक बेस्ट और परफेक्ट स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे तो इस समय पर 18,000 के प्राइस पॉइंट पे काफी सारे स्मार्टफोन अवेलेबल है मार्केट में, बट मैं आपको केवल 4 ही स्मार्टफोन के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि यही 4 ऐसे स्मार्टफोन हैं जिनमें आपको प्राइस के अकॉर्डिंग काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप कैमरा लवर हो तो 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा और सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर आप गेम लवर हो तो गेमिंग प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे खासे गेम प्ले भी कर पाएंगे, जैसे कि COD, फ्री फायर, PUBG वगैरह आसानी से खेल पाएंगे, कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। और इतना ही नहीं गाइस, 6000 मिली एम्पेयर तक की बैटरी देखने को मिलेगी, अप टू 50 वॉट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिलेगा, और ऑफ कोर्स कुछ 5G फोन भी होने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप में से 98% ऐसे ऑडियंस है जो कि वीडियोस तो लगातार देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज ऐसा मत किया करो। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया करो, ताकि हम जब भी वीडियोस अपलोड करें तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ। खैर, बढ़ते वीडियो की ओर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी स्मार्टफोन के बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट कर लेना। तो शुरू करते हैं गाइस नंबर 1 से, और नंबर 1 पर हमने रखा है Realme 8 Pro को। अब ये फोन उन यूजर्स के लिए है जिनको 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप चाहिए या फिर 50 वॉट का फास्ट चार्जर चाहिए, ऑल्दो बाकी के फीचर भी काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो बात करते हैं कि Realme 8 Pro में क्या क्या देखने को मिलता है। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, प्लास्टिक का फ्रेम और प्लास्टिक का बैक दिया गया है, लेकिन डिजाइन कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा यूनिक डिजाइन दिया गया है। काफी स्लिम डिवाइस है, 8.1 mm की थिकनेस है और 176 ग्राम की वेट है, तो काफी लाइट वेट और हैंडी स्मार्टफोन है। बात करें कैमरा सेटअप के बारे में तो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है, प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि सैमसंग की तरफ से सेंसर आता है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और 2 और सेंसर देखने को मिलेंगे 2 मेगापिक्सल के जो कि बोक इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, स्लो मोशन, अल्ट्रा स्टेबल वीडियो, उसी के साथ नाइट मोड, SDR और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं रियर कैमरे में। और बैक कैमरा 20x डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सोनी का IMX471 का सेंसर देखने को मिलता है, तो नाइट इमेजेस काफी अच्छी देखने को मिल जाती है इस सेंसर का। फ्रंट कैमरे में भी ब्यूटी मोड, SDR, AI पोर्ट्रेट मोड और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, बेस्ड ऑन Realme UI 2.0, 4500 मिली एम्पेयर की बैटरी दी गई है विद 50 वॉट फास्ट चार्जर, तो 40 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी, तो काफी अमेजिंग बात है। स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर दिया गया है जो कि एक गेमिंग चिपसेट है, तो गेमिंग वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। अंतुत स्कोर की बात करें तो 2,80,000 के आसपास देखने को मिली है। एड्रीनो 618 का GPU देखने को मिल जाता है, तो हर तरह के गेमिंग को आसानी से हैंडल कर लेगा। साथ में ये फोन हाई रिस ऑडियो सर्टिफाइड है, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 60 हर्ट्ज के साथ आता है और 120 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। अप टू 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी आउटडोर सिचुएशन में। बाकी प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए ₹17,999 पे करने होंगे, कुछ बैंक ऑफर वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको 18,000 के अंदर एक एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, 50 वॉट का फास्ट चार्जर चाहिए या फिर 108 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप चाहिए, तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, काफी अच्छा डील देखने को मिल जाता है Realme की तरफ से। तो बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन की तरफ, और नंबर 2 पर हमने रखा है Samsung Galaxy M31s को। अब ये फोन थोड़ा सा पुराना है बट इस फोन में काफी तगड़े फीचर्स देखने को मिलते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। हालांकि इस फोन की प्राइस 18 से 19,000 के आसपास थी, बट अभी इस स्मार्टफोन को आप 15,500 के आसपास परचेज कर सकते हो। तो 15,500 में एकलौता ऐसे स्मार्टफोन है जिनमें आपको काफी तगड़े फीचर
फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं कि गैलेक्सी M31s में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है विद 25 वॉट फास्ट चार्जर, तो काफी तेजी से अपने बैटरी को चार्ज कर पाएंगे और काफी लॉन्ग बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 6.5 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो मीडिया कंजप्शन में वीडियोस वगैरह या फिर स्ट्रीमिंग वगैरह ज्यादा करते हो तो काफी मजा आने वाला है, क्योंकि सैमसंग का एमोलेड डिस्प्ले काफी अमेजिंग होती है एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड। तो डिस्प्ले वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, बाकी फेस अनलॉक का भी फीचर देखने को मिल ही जाता है। ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है, तो दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। 4G नेटवर्क के साथ आता है। फ्रंट में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। बैक पैनल के बारे में बात करें तो प्रीमियम ग्रेडियंट डिजाइन देखने को मिलता है और बैक साइड भी गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिल जाती है। डॉल्बी एटम्स ऑडियो के साथ आता है, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी रहने वाली है। एंड्रॉइड 10 के साथ आता है बेस्ड ऑन वन UI 2.0। हालांकि इस फोन में एंड्रॉइड 11 और एंड्रॉइड 12 का भी अपडेट देखने को मिल सकता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का लीडिंग इंटेलिजेंट कैमरा सेटअप दिया गया है और प्राइमरी सेंसर सोनी की तरफ से देखने को मिलता है। सोनी IMX682 का सेंसर दिया गया है, तो इमेजेस क्वालिटी काफी अच्छी रहने वाली है। सेकंड कैमरा 12 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है, और फोर्थ कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मैक्रो फोटो के लिए है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी के साथ अल्ट्रा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन दिया गया है, स्लो मोशन, सिंगल टेक और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं रियर कैमरे में। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, काफी छोटा कटआउट दिया गया है। प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग एग्जीनोस 9611 का चिपसेट दिया गया है। अगर आप हार्डकोर गेमर हो, गेमिंग पर्पस के लिए फोन लेना चाहते हो तो इस फोन को छोड़ सकते हो, बाकी अगर आप गेम वगैरह नहीं खेलते हो तो बेस्ट डील हो सकता है आपके लिए। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 15,499 रुपये पे करने होंगे। अराउंड 15,500 के आसपास ये फोन देखने को मिल जाता है। तो अगर आपको 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी चाहिए, सुपर एमोलेड डिस्प्ले चाहिए या फिर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। और गाइस, नंबर 3 पर हमने एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन को रखा है, Redmi Note 10 Pro को। अब इस फोन का डिजाइन, डिस्प्ले, कैमरा काफी अच्छा देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। तो 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, अप टू 1200 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो डिस्प्ले काफी पंची और वाइब्रेंट देखने को मिलेगा। अब ये फोन भी क्वाड कैमरा सेटअप के साथ ही आता है। प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW3 सेंसर देखने को मिलेगा। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि सुपर टेली कैमरा है, और फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्लो मोशन, मैक्रो वीडियो और अल्ट्रा स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन दिया गया है। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा जो कि सोनी का सेंसर है। फ्रंट में भी नाइट मोड, ड्यूल वीडियो मोड, ब्यूटी मोड, AI पोर्ट्रेट मोड और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। फ्रंट और बैक दोनों में ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। 8.1mm के थिकनेस के साथ आता है, तो काफी स्लिम डिवाइस होने वाला है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। Snapdragon 732G का चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। Adreno 618 का GPU देखने को मिल जाएगा, और इसी के साथ UFS 2.2 का स्टोरेज भी दिया गया है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस या फिर मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छा रहने वाला है। डे टू डे लाइफ में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। 5020mAh की बैटरी देखने को मिलेगी विद 33 वॉट फास्ट चार्जर। अराउंड 75 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। इसी के साथ ये फोन भी ट्रिपल स्लॉट के साथ आता है और 4G नेटवर्क के साथ आता है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 17,999 रुपये पे करने होंगे। अराउंड 18,000 के आसपास ये फोन भी देखने को मिल जाएगा। कुछ बैंक ऑफर वगैरह ऑफ कोर्स इस पे भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 18,000 के नीचे एक सुपर एमोलेड 120 हर्ज वाला डिस्प्ले चाहिए या फिर प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी चाहिए या फिर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप चाहिए तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। देखा जाए तो ये फोन एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है अंडर 18,000।
और गाइज नंबर 4 पर हमने रखा है रियलमी X7 5G को। अब ये फोन 5G है, इसके साथ ही इस फोन में हमें काफी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि लुक्स और डिजाइन की बात करें तो काफी चमचमाती हुई डिजाइन देखने को मिल जाती है, काफी अच्छा डिजाइन देखने को मिलता है। हालांकि पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिलेगी, 8.3 mm की थिकनेस दी गई है। तो ओवरऑल काफी लाइट वेट, काफी हैंडी सा स्मार्टफोन होने वाला है। बैटरी की बात करें तो बैटरी थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी, 4310 mAh की बैटरी दी गई है, लेकिन 50W का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। तो 40 से 50 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। 6.43 इंचेस का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 180Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है, अप टू 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, तो एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। हालांकि 5G नेटवर्क के साथ आता है और ये फोन हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड है, तो ऑडियो क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी। डायमेंसिटी 800U 5G चिपसेट के साथ आता है, जिसकी अंतत्व स्कोर की बात करें तो 350,000 के आसपास देखने को मिल जाती है। माली G57 का GPU भी देखने को मिल जाता है, तो गेमिंग या फिर मल्टीटास्किंग में कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा। प्राइमरी सेंसर 64 MP का दिया गया है, जो कि सैमसंग का सेंसर है। 8 MP का अल्ट्रा वाइड के लिए दिया गया है और थर्ड कैमरा 2 MP का देखने को मिलेगा, जो कि बोके इफेक्ट के लिए दिया गया है। रियर कैमरे से 4K 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, 10x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है। इसी के साथ अल्ट्रा स्टेबल वीडियो, स्लो मोशन, नाइट मोड और भी बहुत सारे फीचर दिए गए हैं बैक कैमरे में। फ्रंट में 16 MP का सोनी का IMX471 का सेंसर देखने को मिलेगा, तो नाइट इमेजेस काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसी के साथ ब्यूटी मोड, HDR, AI पोर्ट्रेट मोड और भी बहुत सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट कैमरे में भी। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 18,999 रुपये पे करने होंगे। लेकिन अगर आपके पास ICICI का कार्ड या फिर एक्सिस का कार्ड है तो इस स्मार्टफोन को आप 18,000 के नीचे ही परचेज कर पाएंगे। तो 18 से 19,000 में अगर आपको एक 5G स्मार्टफोन चाहिए, उसी के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए या फिर 50W का फास्ट चार्जर चाहिए, तो इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो, काफ़ी अच्छा डील देखने को मिल जाता है। सो गाइज, यही थे कुछ बेस्ट और ऑलराउंडर स्मार्टफोन अंडर 18,000। आप इनमें से किसी को भी पिक कर सकते हो अपने यूजेस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बाकी हर स्मार्टफोन के प्रोज और कॉन्स होते ही है। लिटरली मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही है इनमें से किसी भी एक को पिक करना, क्योंकि सभी स्मार्टफोन बेस्ट है अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पर आ सकते हो, इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।